बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज ये बच्चों के हवाले से मैं लेकर आई हूँ। ये मैंने क्यूब्स में काटे हुए हैं, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये क्यूब्स में है। इसके अंदर हम क्या डाल देंगे अभी करते हैं। इसके अंदर क्यूब्स के हवाले से बहुत सारे मेरे पास आए हैं, क्या आप क्यूब्स उसके हवाले से बताएं। तो ये इसमें 1 टेबल बढ़कर हम सिरका डालेंगे, या सिरका है तो सिरका डालेंगे, वरना लेमन डालेंगे, सोया सॉस डालेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे, ये हमारे पास ब्लैक पेपर है, ठीक है ठीक है। 1-2 टेबल स्पून हमने ये डाल दिया, हमने इसके अंदर कुटी हुई मिर्च डाल दिया, ठीक है। 1-2, ठीक है, ये डाल दिया। कम से कम ये अभी आधा के जी है। ये मेरे पास गार्लिक पाउडर है, ठीक है, ये हम डाल देंगे। इसके अलावा आप इसमें ये भी डाल सकते हैं, इसके बाद सॉल्ट डाल देंगे, ठीक है। और चिकन पाउडर भी मेरे पास नहीं है, ठीक है, नमक अपने हिसाब से डालेंगे। चिकन पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे, 1 टेबल स्पून अपने हिसाब से, नमक भी हमने डाला है इस वजह से। और ये हम इसको मिक्स करके रख देंगे, ठीक है, हम इसको मिक्स करके हम रख देंगे। ये हम बच्चों को मैक्रोनी में भी दे सकते हैं, और स्टिक्स जो आती हैं ना उसमें लगा कर हम बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ठीक है, और इसके अंदर हम वो डाल देंगे, अभी कॉर्नफ्लोर का डाल देंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ठीक है। ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, और इसके बाद हम इस पर इसी में हम कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ठीक है, कॉर्नफ्लोर डाल दिया हमने। और इसके बाद हम इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देंगे, ठीक है, ऊपर से ही हम इसको ब्रेड क्रम्स डालेंगे जितना आपने रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये देखिए हम इतना डालेंगे, ठीक है, इसके अंदर इतना ये तेल वाले देंगे, और बाकी हम रख देंगे इसमें। और इसके ऊपर हम अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी के अंदर, और इसमें एक एग डाल देंगे, ठीक है। अब हम इसमें एक एग डाल देंगे। ये बच्चों को हम पराठा बनाया, और हम इसमें भी डाल के बच्चों को दे सकते हैं। इसके अंदर फिर हमने जब हमने इसमें हुआ इसमें हम स्मोक दे सकते हैं, उसका भी क्या कहते हैं, कोयले का स्मोक दे दें इसमें। और इसके बाद हम फ्राई कर लें, इसको हम डीप फ्राई करेंगे, या शैरो मतलब कि फ्राई करें, हल्का सा ऑयल डाल के इसमें फ्राई करें। इसको हम डब्बा भर के रख देंगे, ठीक है ना, ताकि हम बच्चों को जब भी हुआ हमने निकाला और बच्चों को दे दिया। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा वो भी डाल देंगे, मैं अंडा लेकर आऊँगा, अब इसके अंदर हम एक एग डाल, ठीक है, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर देंगे। और हम इसको डब्बा भर के पैकेट डब्बे में हम रख देंगे फ्रीज करके, जब भी हमें बच्चों को लंच के लिए देना हो। हमने मैक्रोनी फ्राई और बॉइल इसमें डाल दी ऊपर से, ठीक है, जो सब्जी खाते हैं सब्जी में डाल दी हमने, या फिर हमने इसको राइस बॉय वो किया बच्चों के लंच के लिए, सैंडविच लिया, ब्रेड ली, उसके अंदर डाल दिया हमने इसको छोटे छोटे, आप इसको छोटे छोटे क्यूब्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको हमने ये किया और ये कर दिया, ये हमारे बच्चों के लिए रेडी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत टेस्टी बनती है। इसको आप मैक्रोनी के साथ कर सकते हैं, बच्चों को मैक्रोनी दी उसके ऊपर डाल के दे दिए, 2-3 पीस ऊपर डाल दी, सर रोल बना दिया, पराठा लिया उसके अंदर डाल दिया, पराठा लिया उसके अंदर डाल दिया, या फिर आपने सैंडविच लिया, डबल रोटी बड़ी सी ली उसके अंदर करके, और उसके अंदर आपने स्लाइस रखे उसके टैटो उसके क्यूकम्बर के, और उसको जो हमारा जो आता है ना एक हमारे पास वो करने का, उसके अंदर आपने इसको सैंडविच की तरह बना के बच्चों को फ्रीज कर दिया। चले अपना ख्याल रखिएगा, अपने के लोगों का ख्याल रखिएगा, मुझको दुआओं में याद रखिएगा, टेक केयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको आगे और रेसिपीज कैसे मिलें।